हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज ये शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं शुरू सोच रही थी कि अब करूँ, लेकिन राघव की तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। उसको बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, ये हो रहा है। यहाँ पर दूध गर्म किया है क्योंकि फ्रिज सही नहीं है, तो दूध मुझे 2-3 बार गर्म करना पड़ता है, एक सुबह, एक चाय के टाइम पर, एक फिर रात को। तो ऐसे ही चल रहा है अभी। अब मैं चाय बना रही थी, उधर ये देखो बंदर ऊपर से आवाज़ लगा रहा था। आज ही मेरी जो पाकिस्तान की सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने मुझसे पूछा था आपके बंदरों के क्या हाल चाल है। तो ये बंदर जो है दिन में 2-3 बार आता है, आवाज़ लगाता है यहीं से, और फिर मैं इसके लिए खाना लेके जाती हूँ। हाँ, रुक जा, लाओ। और देखिए जैसे ही मैं हाथ में लेके जाती हूँ ना किचन में से या कुछ भी, तो ये आपको जीने के गेट पे ही मिलेगा। इसको पता चल जाता है कि कुछ लेके आ रही है, और कोई लेके जाता है तो ये नहीं जाता, लेकिन जैसे मैं ही लेके जाती हूँ तो इसको पता है मेरे लिए ला रही होगी। तो जीने के गेट पे आपको ये मिलेगा, खोलूंगी तभी आप देखिएगा। हाँ, हाँ क्या है, और यहाँ पे जो है मैंने कुछ अपना राशन का सामान मंगाया था, तो जो सर्फ साबुन सब कुछ ख़त्म हो गया था अभी। तो फ़िलहाल में चाय की पत्ती वगैरह ये सारी चीज़, मसाले और बच्चों के सामान, गरम मसाला भी मेरा ख़त्म हो गया था, हींग वगैरह सब कुछ मतलब तक चल रहा था, साबुन नहाने के, नमक वगैरह ये सब। तो यहाँ पे ना ऐसा है, सबके यही है, ऑनलाइन शॉपिंग जो चल रही है, 2-3 जो किराने की ऐसी अच्छी दुकान है ना, उनके जो है एड्रेस दे रखे हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही थी, मिल्क पाउडर के छोटे छोटे पाउच है जो एक प्याला चाय बन जाए बस, तो उनको आप व्हाट्सएप कर दो या उनसे फ़ोन पे बोल दो तो सारा सामान आपका घर पे आ जाता है। तो ऐसे ही हमने फिर ये व्हाट्सएप कर दिया था पर्चा, और ये सब सामान हमने मंगाया था। और फिर इसके बाद ये देखिए, इसके बाद नहीं, ये जो क्लिप है ये दोपहर की है, यानी ये 12 बजे 1 बजे करीब की। तो यहाँ पर ये राघव के कटिंग कर रहे हैं, तो आप इनका एक ये नया रूप मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो है बार्बर का, क्योंकि इनको ये बहुत शौक है। वैसे नहीं, मतलब वो इनको क्या है ना कि बाल जरा भी बड़े होते हैं बच्चों के, तुरंत कहते कटवाओ। अभी तो आपको पता है कि बार्बर की दुकान तो कहीं खुली ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इनको तो वैसे भी लग रहा था, और राघव को बिल्कुल भी नहीं कटवाने थे। आपको पता ही है, उस दिन बोल रहा था ना कि मुझे कटिंग नहीं करानी है, मुझे तो रॉक स्टार बनना है, बाल बड़े करने। लेकिन इसको बहुत प्रॉब्लम भी बहुत हो रही थी, बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे इसके, और भी बुखार वगैरह आ रहा है तो पसीना भी आता है, ऐसे बुखार उतरता है, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे ये इसके बाल कट कर रहे थे, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, ये बहुत रोया था बहुत ज़्यादा कि मुझे, और इनसे बोल रहा था कि आता है नहीं है और चलते हैं कटिंग करने के लिए। तो भैया ने, इन्होंने यहाँ पे ये जो मशीन होती है ना उससे ये कट कर रहे हैं। इन्होंने राघव के किए थे और पापा जी के किए थे, कृष्णा ने तो कराए नहीं थे, बोल मैं तो नहीं कराऊँगा। पर यह है यार, कुछ भी सही, कैसे भी सही, अब कम से कम गर्मी से तो बचेगा। अब दुकानों का तो कब तक पता है नहीं है, कब तक खुलेंगी क्या होगा। तो यहाँ पे फिर उन्होंने पापा की कटिंग की थी, ये देखिए पापा तो आराम से बैठे हैं शीशा लेके, तो अक्सर पापा की वजह से ही लाए थे ये मशीन। तो फिर से मैं किचन में लग गई थी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए डोरा केक। तो मैं आज ये डोरा केक जो है आटे से बनाऊँगी, मैदा से भी बना सकते हैं बट आटा से ये हेल्दी रहता है, कुछ इसमें नुकसान वाली चीज़ नहीं होती है। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे आटा लिया है, मैं इसको छान रही हूँ, वैसे तो छना हुआ था, मैंने कहा एक बार और इसमें छान लेते हैं। और एक कटोरी आटे में हम आधी कटोरी पिसी हुई चीनी मिला लेंगे, चीनी को मैंने पीस लिया था। और इसके बाद हम इसमें आधी चम्मच मिलाएंगे बेकिंग सोडा, अगर आप बेकिंग पाउडर मिला रहे हो तो 1 चम्मच मिलाइएगा, और बेकिंग सोडा मिला रहे हो तो आधी चम्मच, ये आधी छोटी चम्मच है जो आप खाने में यूज़ करते हो वो वाली। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 1 चम्मच मिलाऊंगी मैं यहाँ पर शहद, ये देखिए शहद से अच्छा सा एकदम फ्लेवर भी अच्छा आता है। और यहाँ पे आप चाहें तो वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर मैंने इसी के लिए मंगाया था, बट छोटे छोटे पाउच मिले थे तो उसी हिसाब से मैंने डाला, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा कम दूध है, लेकिन यहाँ पर पूरा 1 गिलास दूध लग गया था, मैंने थोड़ा सा और लिया था, तो 1 गिलास दूध है। पर ये नहीं है कि आप 1 गिलास आपका भाई बड़ा हो छोटा हो, तो आपको मैं टेक्सचर दिखा दूंगी किस तरीके से, कैसे इसका जो है मैं
ये बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मेरा पूरा दूध जो है लग गया था, थोड़ा सा मैंने और लिया था, तो मैं आपको अच्छे से मिक्स करके फिर इसकी दिखा दूँगी कि किस तरीके से हमको इसका बैटर रखना है। तो ये देखिए, मैं आपको इसे दिखा रही हूँ, बट मैं आपको चमचे से दिखाऊंगी, जो कि अच्छे से समझ में आ रहा था कि किस तरीके से करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसका बैटर हमें रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब हम यहाँ पे रख लेंगे नॉन स्टिक पैन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इसको मैं बिल्कुल पोंछ लूँगी एकदम से, बस हमें इसको चिकना करना है तवे को। तो यहाँ पर हम एक चम्मच में लेंगे इसको और बिल्कुल सेंटर में इसको डाल देंगे एकदम एक, उससे ऐसा नहीं करना कि फैला के डालना है, सेंटर में ही हमें इसे डालना है। इसको हम ढक देंगे, गैस को बिल्कुल सिम रखना है हमको, क्योंकि क्या होगा कि गैस हम अगर थोड़ा सा भी तेज़ रख देंगे ना, तो ये देखिए आप देख रहे होंगे बबल इसमें उठ रहे हैं, ये बहुत अच्छे से फूल रहा है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। तो गैस अगर हम तेज़ रखेंगे तो नीचे से जल जाएगा ये मेरा, एक दो वो है जल भी गया था, बट बिल्कुल बिल्कुल सिम रखना है आपको गैस को। तो अब यहाँ पे जब आपको लगे ऊपर से ये थोड़ा सा पक गया है तो आप इसको पलट दीजिएगा, ऊपर से बिल्कुल नहीं पकाना है। आप देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इसका। आप अगर गैस को थोड़ा सा भी तेज़ कर देंगे, तो मेरे साथ एक बार हो गया था, मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था गैस को तो वो जल गया था। तो यहाँ पे नीचे से भी सिक गया है, तो यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। एक और छोड़ देते हैं हम इसी तरीके से, इसको भी हम ढक देंगे। ढकने का मतलब ये कि ऊपर से भी थोड़ा सा जल्दी से पक जाए। तो ये देखिए, इसको भी मैंने पलट दिया है, ये देखिए ये भी कितना अच्छा से बना है। और इसको नीचे से सेक लेते हैं। बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि मम्मा डोरा केक या केक भी बना दो, तो बट केक के लिए मेरे पास कुछ थोड़े से सामान नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चलो पहले ये बनाती हूँ, फिर अगर वो सामान होगा तो मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं और छोड़ देती हूँ, दो तो मेरे बन गए हैं। और एक्चुअली मेरे पास आज वो नहीं था कुछ भी, यानी इस पे जो है आप हर्सी लगा सकते हैं या चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं या पीनट बटर, कुछ भी आप जो होते वो सब लगा सकते हो, जैम भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर चॉकलेट ली थी जो 5-star चॉकलेट आती है वो, और उसको मैंने गर्म पानी में डबल बॉयलर किया था, उसको मेल्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये भी कितना अच्छा बना है, तो डबल मेल्ट वो कर लिया है मैंने बॉयल करके, उसको चॉकलेट को पिघला लिया है थोड़ा सा दूध डाल के, जिससे कि थोड़ी सी पतली हो जाए ये, नहीं तो चॉकलेट पिघल के भी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी रहती है ना। तो आप क्या करें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें चॉकलेट में। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा दी कितने अच्छे से फूल गया है, और यहाँ बच्चे साथ के साथ वैसे भी खाते जा रहे थे, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी सी पतली सी हो गई है ना, तो ये मैं आपको लगा के दिखा रही थी। इस तरीके से आप लगाइए और ऊपर से एक और जो है ऐसे रख दीजिए और कट करके बच्चों को दे दीजिए। तो मैं राघव कृष्णा को आप देख रहे होंगे, जो एक नीचे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा जल गया था मेरे से। तो इस तरीके से आप इसको कट कर दीजिए, बहुत सॉफ्ट बने थे। उसके बाद मैंने बच्चों को दे दिया था, खा लिया था। यहाँ पर बच्चे चला रहे हैं लैपटॉप और मैं यहीं पे अपने कपड़े तय करने बैठ गई थी, और ये बच्चे ना पिक्चर देख रहे थे, वो कौन सी है, गदर देख रहे थे। हाँ, इनको आजकल गदर पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही है, तो वही देख रहे थे। और आप सोच रहे होंगे कपड़े तय अभी तो धोए हैं, मैंने दिखाया था आपको, तो वो कपड़े जो है बिल्कुल नहाने के थे वो थे, और ये मैंने सुबह जो हमारे और कपड़े होते हैं ना वो मैंने धुल दिए थे सुबह ही। एक्चुअली पानी का वही चक्कर है, आपको मैंने बताया था कि मोटर ख़राब है, तो पानी का जब जैसे हो जाता है उसी हिसाब से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे राघव का बुखार अभी उतर चुका है। एक्चुअली इसको बुखार क्या है ना, 2-3 घंटे तक नहीं आता है, दवाई दे दो तो फिर उसके बाद फिर से रिपीट हो जाता है, ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे राघव अभी चैन में है, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मैं भी इन्हीं के पास बैठ के अपने कपड़े वगैरह तय करने लगी थी, और मुझे भी दिखा रहे थे कि मम्मा देखो छोटा वाला जो बच्चा है ना उसमें गदर पिक्चर में, वो वाला जो है उसको। तो बस यहाँ पर इसके बाद फिर मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी, जो कि शाम का मुझे खाना भी तैयार करना है अभी। और ये देखिए यहाँ ये आए थे मुझसे पूछने के लिए खाना क्या बनाना है, मैंने कहा खाना भाई आप बताओ आप क्या बनवाओगे तो बोले थे बच्चों का तो बना दिया हमारा, अभी आपको हमसे पूछ रही हो कि क्या बनाना है, और किससे पूछूं, मैंने कहा आप बताओ क्या बनाना है। तो कभी कुछ बोल लेते कभी कुछ बोल लेते, मैंने कहा भाई क्या करूँ अभी तो ये सब चीज़ तो है नहीं, भाई आप लेके आओ मैं बना दूँगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर बोले कभी ये बना दो, मैंने कहा ये भी नहीं है कि ये बना दो, मैंने कहा मतलब बता भी तो सीख रहे थे चने बना दो राजमा बना दो, मैंने कहा गलाएँ हैं ये कोई चीज़ है, तो बस यहाँ पर यही कर रहे थे। फिर बोले ठीक है आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दो, तो फिर मैं यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने आ गई थी। तो आज मैं सब्ज़ी जो है ग्रेवी वाली बनाऊँगी, क्योंकि सुबह मैंने दाल चावल बनाए थे ना,
तो दाल चावल में चावल जो है बच गए थे, तो उस हिसाब से मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी वैसे ही नहीं बनाऊंगी, ग्रेवी वाली थोड़ी गाढ़ी सी रहेगी तो चावल अच्छे लगेंगे उससे, अच्छे भी लगते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी से चावल आप बनाओ तो। तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल करके इसमें जीरा हींग डाल दिया है और ये प्याज पीस के रखी थी मैंने वो डाल दी है। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, भूनने के बाद फिर डालूँगी इसमें टमाटर। तो वही यही है, आजकल फ्रिज सही नहीं है तो मुझे खाना भी उसी हिसाब से उतना ही बना रही हूँ हिसाब का, कि बचे ना और ख़राब ना हो। तो जैसी प्याज हो गई थी फिर मैंने यहाँ पर टमाटर पीस के डाले थे। टमाटर में मैंने हरी मिर्च पीस ली थी, अदरक को भी पीस लिया था। अब यहाँ पे हम डालते हैं मसाले, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, जो कॉमन मसाले होते हैं वही मैं डालूँगी। तो इनको भी डाल के हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो इसको भी पकने देती हूँ मैं, जब तक इसमें जो है ऑयल नहीं छोड़ने लगेगी तब तक मैं इसको पकने दूंगी। और इधर यहाँ पे जब ये हो गया था तो मैंने यहाँ पे आलू काट के रखे हैं। मैं थोड़ा सी आलू काटे, मैंने बताया था ना सब्ज़ी मुझे उतनी ही बनानी है कि भाई अभी काम चल जाए, क्योंकि फ्रिज सही नहीं है तो सब्ज़ी ख़राब वराब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए पानी सा भी मैंने थोड़ा सा ही किया है और इसमें डाल देते हैं नमक। नमक की चम्मच मुझे नहीं दिखी थी तो मैंने ऐसे ही नमक डाल दिया था उससे। अब इसका ढक्कन बंद करके इसमें 2-3 सीटी लगवा दूंगी और जब तक सीटी लगेगी तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। और क्योंकि रोटी मैं तुरंत ही बनाऊंगी, काफ़ी टाइम हो गया था एक्चुअली। ऐसी वैसी चीज़ हम जैसे अभी बनाए थे, मैंने डोरा केक बनाए थे तो टाइम भी हो गया था, तो तुरंत ही मैंने खाने में लगी थी कपड़े तय करने के बाद। तो मैंने कहा फटाफट से फिर रोटी अभी सेकनी है, क्योंकि यही रहता है ना, अभी तो दिन तो बड़े होने लगे हैं लेकिन रात में टाइम आप देखो तो बहुत जल्दी से, मतलब घड़ी भागती हुई नज़र आती है कि 8 बज गए कि 9 बज गए। तो यार मुझे 9 बज गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो इधर मैंने आटा भी लगा दिया, इसको मतलब गलने के लिए रख दूँगी, मैं आटा ऐसे ही लगाती हूँ। फिर इसी बीच मैंने जो बर्तन थे ना मेरे डोरा केक के, और जो कुछ बीच में मैंने एक बार चाय भी बनाई थी, उसके बाद एक बार मेरी यहाँ चाय 4 बजे बन जाती है, 4:15 बजे, फिर एक बार चाय बनती है 6:30-7 बजे, तो सबकी आदत में है ये। तो वो वाली चाय के बर्तन थे और जो है डोरा केक वगैरह इसके बर्तन थे, तो वो मैंने कहा साथ के साथ निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर सिंक भर जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है बर्तन साफ़ करने में, और ऊपर से टंकी में की पानी हो तो फिर यही रहता है। थोड़ा सा पानी हम रखते हैं टंकी में, तो जो भगोना देख रहे हो आप साइड में उसी को भर के मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि बाल्टी वगैरह तो यहाँ पे भाई सिंक पे हम बर्तन मांजेंगे तो फिर बाल्टी से नहीं धुल पाते हैं, तो भगोने में पानी करके रख लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए थे, सब्ज़ी भी बन गई थी तब तक। तो बस यहाँ पे डाला है गरम मसाला और हरा धनिया, तो सब्ज़ी हमारी रेडी है। मैं आपको दिखा रही थी, देखिए इस तरीके से सब्ज़ी मैंने बनाई है, बहुत अच्छी सी बनी थी, इस तरीके से थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी रखी है। तो बस अब सेक लेते हैं हम रोटियाँ। अभी तबीयत आ गया क्या बुखार? अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है और बस मैं अभी काम करके फ्री हुई हूँ। मैंने पंखा बंद कर रखा है, पंखे में आवाज़ बहुत आती है, आप देख रहे हो पसीना बहुत आ रहा है। और इसको क्या हो रहा है ना कि जैसे दवाई देने के 2-3 घंटे तक तो ठीक रहता है, फिर से चढ़ आता है। और इसका ऐसा ही है, अब कितनी भी दवाई दिला लूँ 5-6 दिन इसको रहना ही रहना है बुखार, और इसकी वजह से बहुत टेंशन सी रहती है। पता नहीं ये कब ठीक होगा क्या होगा, ऐसे ही रहता है इसका। हर महीने 15 दिन में और पूरे 1 हफ्ते बुखार रहता है इसका, ये है। तो बस अब वीडियो को मैं एंड करूँगी, सारा काम वगैरह हो गया है नई वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, इसके बाल देखो यार, ये आज बहुत रोया है,
एक तो बुखार इसको और रोया बहुत है। इसके पापा ने कटिंग करी है ना इसकी, मैंने आपको दिखाया था। इसके बाल देखो, दिखाना बहुत बुरे। ये कह रहा है बुरे बने, ये देखो मुझे तो ठीक लग रहे हैं। दिखा, मुझे बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहे। गर्मी की वजह से किए हैं अभी, पता नहीं पता कैसा लग रहा है। तू टाइगर श्रॉफ जैसा तो सही लग रहे हैं, मेरे को तो अच्छे लगे है ना। आप लोग भी बताना कैसे लगे राघव के बाल, जरूर बताना क्योंकि ये बहुत रोया है आज। तो चलिए गुड नाइट, राधे राधे।